मैडम सब लोग आ गए। अच्छा आ गए वो लोग, बैठाओ उनको, शुरू करें इनकी भी क्लास। ओह तो आखिर आ ही गए आप लोग मेरी मौत का तमाशा देखने। पता तो चल ही गया होगा कि क्यों इनविटेशन देकर आप लोगों को यहाँ बुलवाया गया है। आप सबके बच्चे एक नंबर के शैतान हैं। क्या खाकर पैदा किया था आप लोगों ने अपने बच्चों को? स्कूल को लोग विद्या का मंदिर कहते हैं, पर आप लोगों के बच्चों ने इसे पागल खाना बना रखा है। एक्सक्यूज मी मिस मैडम, बाकी के बच्चे ऐसे हो सकते हैं बट मेरी बच्ची पड़ी है पड़ी। मैम आपकी बच्ची पड़ी हो या पड़ा मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बच्ची का नाम बताइए तो पता चले। सूजी, हर नेम इज सूजी शर्मा। ओह अच्छा, तो आप है सूजी की मम्मी जी। अरे आपकी बच्ची तो बड़ी ज्ञानी है। यस, हमने अपनी बच्ची को बहुत अच्छे संस्कार दिए। हाँ जी आपकी बच्ची इतनी ज्यादा ज्ञानी है ना कि वो स्कूल पढ़ने नहीं पढ़ाने आती है। एक काम करते हैं ना, सारे टीचर को छुट्टी देकर आपकी बेटी को ही नौकरी पर रख लेते हैं। सब तो पहले से ही पता रहता है उसे, टीचर की जरूरत ही क्या है। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल मिस मैडम। ओह कितनी प्यारी बच्ची है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज सूजी। देखा तुम लोगों ने टीचर की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, सूजी से सीखो। एक्सक्यूज मी मिस मैडम, इट्स सूजी नॉट सूजी। ओके सूजी, अब ठीक है बैठ जाओ। सो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दो, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1950s में लिखा गया था। एक्सक्यूज मी मिस मैडम, ये सच नहीं है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने लिखा था, बट ये इफेक्ट में 26 जनवरी 1950 में आया है। ओके सूजी, टीचर मैं हूँ तो पढ़ाना भी मुझे चाहिए ना। अगर टीचर आप हो तो आपको पता होना चाहिए कि पढ़ाते कैसे हैं। By the way, this is right. Constitution real में 1949 में ही लिखा गया है। यही तो प्रॉब्लम है, आप अपने बच्चों को सब कुछ पहले ही पढ़ा दोगी तो हम टीचर यहाँ क्या झक मारने के लिए बैठे हुए हैं? हेलो हेलो मैडम जी। हाँ जी आप ही जो फोन चला रही हो, आपका बच्चा भी कुछ कम नहीं है। तो स्टूडेंट्स कल मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था, करके लाए हो ना? कौन कौन है जो मेरी क्लास में सो रहा है? बंटी उठो जाओ, बोर्ड पर होमवर्क लिख के आओ। मिस मैडम मैं लिखूं? चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रह। क्या ये फिर से सो गया? देख रहे हो तुम लोग? हेलो हेलो मैडम, सुन रही हो ना आप? हाँ, सुन रही हूँ। अब समझ में आया बंटी ये सारी आदतें कहाँ से सीख रहा है। मैडम जी हमारे बच्चे कैसे हैं? हाँ क्या नाम है आपके बच्चों का? असी कुड़ी दा नाम चंपा सी, हमरी बिटिया का नाम चमेली बा। ओ चंपा चमेली, उन्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं। तो अगर x को हम लोग cos से निकाल के tan में लगाएंगे और tan का y निकाल के cos में लगा देंगे तो sin equal to 1 plus x plus minus 10 हो जाएगा। और ये मैथ में x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन तुम लोग अगर चाहो तो y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके हम लोग tan into cos theta का equal to चमेली मुंडा नाल छोड़ दे तू, असी सिर्फ मेरा है। काहे बे चंपा, हाँ मैं कर काहे ला छोड़ी, रवा काहे नहीं छोड़ दे तबा। टीचर पंगा हो गया। हाँ दिख रहा है मुझे। चमेली तुसी ऐना दसो, तू हमारी दोस्त से ऐसे बात नहीं कर सकेला, मगर साडे दोस्त ने पहले देखिया सी। अयो तुम दोनों ऐसे नक्को लड़ो जी। अरे क्या बना रखा है क्लास को तुम बच्चों ने? सालो चुप हो जाओ, प्रिंसिपल सर ने सुन लिया तो तुम लोगों की खैर नहीं। क्लास है ये, कोई अखाड़ा नहीं जो सब मरने मारने भिड़ गए हो। हाँ और फिर दोनों लड़ने लग गई थी। सैम आप ही का बेटा है ना? हाँ आप ही की बेटी के लिए लड़ने लग गई थी दोनों। अयो रामा, हमार बेटा के पीछे लड़की ऐसे पागल रहती रे। बाय द वे असी डाइवोर्सी, हमार मरद तो 2 साल पहले लड़क गए बा। इमोशनल सहानुभूति ले रही हो? इमोशनल सहानुभूति,
अबे गधों के बच्चों, सॉरी गधों के माँ बाप, साले तुम सबके बच्चे बिल्कुल तुम लोगों पर गए हैं। लड़ते रहो तुम लोग सालों गधों की मूछ। भाड़ में जाए ये पीटीएम, भाड़ में जाओ तुम लोग, भाड़ में जाए तुम्हारे बच्चे, भाड़ में जाए ये जॉब। मेरे को रहना ही नहीं है इन जाहिल गवारों के बीच।